हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केवा इंडस्ट्री फैमिली में आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बताने जाएंगे केवा इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करने से आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। वैसे ये 8 पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, केवा इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए जो जो चाहिए वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और फोन नंबर। ये चारों चीज चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज चाहिए, उसके बाद आपका 7 डिजिट का आईडी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वही हम बताने जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट केवा इंडस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। बहुत सारा प्रोडक्ट है कंपनी में, FMCG प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, वेटरनरी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी के पास है ऑलरेडी। इन्हीं में से जो आपका घर में डेली यूज होता है, आप वही किसी और दुकान से लेते हैं, वो दुकान छोड़ के केवा इंडस्ट्री से लीजिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कीजिए। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के बारे में अगर आप दोस्त के पास गए तो उसके सामने बोलिए प्रोडक्ट के बारे में, रिलेटिव से शेयर कीजिए, ऐसे शेयर कीजिए प्रोडक्ट के बारे में। उसका जो बेनिफिट है, उसका रेंज कैसा है, वो आप शेयर कीजिए, ठीक है। तीसरा जो काम है वो किसी अननोन पर्सन से, अगर आप चाहते हैं किसी अननोन पर्सन को बिजनेस के बारे में बोलने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। उसके बाद कुछ दिन रिलेशन बिल्ड कीजिए, ठीक है। पहले ही आप अगर बिजनेस के बारे में बोलेंगे तो वो तुरंत ना कर देगा, सो इसलिए कुछ दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन रिलेशन बिल्ड कीजिए और जानिए उसका नीड कौन सा चीज में है, पैसा, हेल्थ, टूर, अवार्ड, कौन सा। उसके बाद धीरे धीरे करके बिजनेस के बारे में बोलिए, क्या क्या प्रोडक्ट है बोलिए। इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा, बिजनेस में अगर वो बंदा ज्वाइन करता है तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा कि नहीं। अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो वो 100% आपके साथ जुड़ेगा और काम भी करेगा, ठीक है, हुआ। उसके बाद फार्मर, पोल्ट्री फार्म, बिजनेसमैन, वो लोगों के सामने आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद पूछना पड़ेगा वो लोग क्या क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं चास के लिए, तो आप पूछिए। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके बारे में बोलिए, ठीक है ना। आप अगर बोलिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। उसके बाद आप हैंड बिल भी दे सकते हैं। केवा इंडस्ट्री के बारे में और बिजनेस के बारे में जो हैंडबिल दिया जाता है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इलाका में, आपका एरिया में हर एक आदमी को, हर एक फैमिली को आपको देना पड़ेगा। ये एक तरीका हुआ। और आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब फेसबुक पेज में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्जीबिशन कर सकते हैं टेम्पोररी आउटलेट की तरह। वहाँ पे बहुत सारा आदमी आएगा, देखेगा, पूछेगा,
डेमो दिखाएगा, वहां से बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, बहुत आदमी वहां से प्रोडक्ट खरीदता भी है, उसके साथ साथ ज्वाइन भी करता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आप हेल्थ चेकअप कैंप भी कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ चेकअप कैंप भी कर सकते हैं। हम लोग का चैनल में आप अगर लिखिएगा केवा हेल्थ चेकअप कैंप, देखिए हम लोगों का बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है। देखिए कैसे कैंप होता है, पहले तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन बिल्ड करने के बाद आपको बिजनेस के बारे में अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, उसके बाद फार्मर, पोल्ट्री फार्म बिजनेसमैन वो लोगों के साथ भेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हैंडबिल देना पड़ेगा। एग्जीबिशन भी आप कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप भी आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो मैक्सिमम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वो भी आप कर सकते हैं। केवा इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद वैसे बहुत सारा ऑप्शन है, कोई भी 4-5 ऑप्शन लेके आप काम कर सकते हैं, बट सीनियर का आपका अपलाइन का बहुत सपोर्ट चाहिए। अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता है, प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी नहीं मिलता है, तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, दिक्कत होगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है इंडस्ट्री के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।